तो मूवी का स्टार्ट होता है एक बहुत ही प्यारी बच्ची को दिखाते हुए जिसकी उम्र कोई 10 या 12 साल थी। उसके सर पर सींग थे और साथ उसके पर भी थे। उसका नाम होता है मलेफिसेंट और वो एक प्यारी सी परी होती है जो कि एक जादुई जंगल में रह रही होती है। उसने आज तक पाए की दुनिया देखी नहीं होती, उसके लिए सारा कुछ उसका यही प्यारा जंगल होता है। इवन आप ये भी सोच सकते हैं कि उसने आज तक इंसानों को नहीं देखा और फिर भी वो अपने जंगल में खुश है। उस जंगल में इंसानों के अलावा बाकी सारे क्रिएचर्स थे, अजीब अजीब जानवर भी थे। एक दिन मलेफिसेंट जंगल में कहीं जा रही होती है तो उसे एक छोटा सा लड़का दिखाई देता है जो कि उसी की एज का था। वो उसे कहती है कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो छोटा बच्चा मलेफिसेंट को बताता है कि मैं पास के ही किंगडम में रहता हूँ और मुझे यहाँ पर एक हीरा नजर आया था जिसे मैंने उठा लिया। तो मलेफिसेंट उसे वो हीरा वापस लेती है और उसे कहती है कि आओ मैं तुम्हें तुम्हारी किंगडम तक छोड़ाती हूँ। तो वो लड़का कहता है कि ठीक है मैं चला तो जाता हूँ लेकिन क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी, और अगर कभी मैं तुम्हारा इस जंगल में आया तो क्या हम खेल सकते हैं। तो मलेफिसेंट कहती है कि ये जादुई जंगल है और तुम्हारा यहाँ पे आना ठीक तो नहीं है लेकिन देखेंगे। इसी के साथ वो दोनों हैंड शेक करते हैं तो मलेफिसेंट को कोई करंट लगता है। इनफैक्ट उसे इस लड़के की पहनी गई लोहे के रिंग से करंट लगा था। वो बताती है कि लोहा परियों को जला देता है तो आइंदा इसे पहनकर मत आना। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का अपने किंगडम में वापस चला जाता है लेकिन जिस किंगडम से वो आया था वो किंगडम इस जंगल पे कब्जा करना चाहता था और इस लड़के के माँ बाप भी जिंदा नहीं थे। इसकी मलेफिसेंट से काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी और इनके दोनों के जहन में ये बात थी ही नहीं कि हम एक दूसरे के दुश्मन किंगडम से हैं। ये दोनों एक साथ खेलते रहे और इसी तरह कई साल गुजर गए। वो लड़का यहाँ आता रहता और मलेफिसेंट और ये मिलके खेलते और अब ये दोनों बड़े हो चुके थे। वो दोनों 16 साल के हो चुके थे और एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। मलेफिसेंट को अब लगता था कि इंसान परियों के दुश्मन नहीं है, वो बहुत अच्छे होते हैं। उसे ये भी नहीं पता था कि उनमें ग्रीड भी होती है यानी लालच भी होती है। एक दिन मलेफिसेंट सोच रही होती है कि उस लड़के को अभी काफी दिन हो चुके हैं और उसको उस लड़के की एक और बात भी याद आती है कि उसने कहा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अपने किंगडम पर कब्जा करूंगा और जो यहाँ पे किला है उसको भी मैं हासिल कर लूंगा। यानी मलेफिसेंट को तो अभी भी ये समझ नहीं आ रहा होता कि वो लड़का लालची था। मलेफिसेंट एक दिन अपने जंगल में बैठी होती है तो देखती है कि दूसरे किंगडम का राजा अपनी काफी ज्यादा आर्मी और घोड़ों के साथ उसके जंगल पर कब्जा करने आया है। मलेफिसेंट अपने जंगल की परी होती है और वो अपने जंगल को प्रोटेक्ट करना अच्छे से जानती थी। वो उठ खड़ी होती है और अब काफी ज्यादा पावरफुल होती है। वो उस राजा से कहती है कि तुम मेरे जंगल में नहीं आ सकते। तो राजा कहता है मैंने तुमसे तो नहीं पूछा, और इसी के साथ वो अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि मुझे इसकी डेड बॉडी चाहिए। अब राजा की आर्मी जंगल की तरफ जाने लगती है लेकिन जंगल में से भी अजीब और गरीब क्रिएचर्स घोड़े पर बैठे हुए इन पर अटैक करते हैं और अब राजा और उसकी आर्मी पूरी तरह से जख्मी हो चुकी थी। सारे के सारे इंसान वहाँ से डर के भाग जाते हैं कि ये जंगल तो जादुई है और हमारे पास की बात नहीं है इनसे लड़ना। अब राजा अपने किंगडम में वापस चला जाता है। वो काफी बूढ़ा हो चुका था और काफी कमजोर भी। तो वो सब लोगों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है कि तुम सब जानते हो ना कि उस जंगल में कितना ज्यादा खजाना है और मैं शुरू से तुम लोगों से यही कहता रहा हूँ कि हम उस पर कब्जा करेंगे लेकिन अब जैसी मेरी हालत है मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ जाकर लड़ सकता हूँ। लेकिन मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि जिसने उस मलेफिसेंट को मार दिया मैं उसकी शादी अपनी बेटी से कर दूंगा। तभी उनमें से एक लड़का बाहर आता है और कहता है कि मैं जाऊंगा वहाँ पर। आप ये सुन के हैरान रह जाएंगे कि ये लड़का कौन था। ये था स्टीफन, यानी वही छोटा बच्चा जो कि मलेफिसेंट के साथ खेला करता था। अब हम देखते हैं कि स्टीफन जंगल में जाता है मलेफिसेंट से मिलने के लिए। कई साल बाद मलेफिसेंट उसे पूछती है कि इतना अरसा तुम कहाँ रहे, तुम्हें जरा ख्याल नहीं आया हमारी दोस्ती का। तो वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं कुछ मसरूफ हो गया था लेकिन मैं तुम्हें आज तक नहीं भूला और अभी भी मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ कि हमारा राजा तुम्हें मारना चाहता है, तुम बस अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हारी यहाँ पे हिफाजत प्रोटेक्शन करने आया हूँ। और इसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं। मलेफिसेंट उससे कहती है कि मैंने तुम्हें माफ किया क्योंकि उसको नहीं पता होता कि इंसान किस कदर बुरे हो सकते हैं, उस पर यकीन चुकर लेती है। लेकिन स्टीफन बहुत लालची इंसान था, वो उसे कोई नशे की दवाई पिला देता है पानी में जिससे वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद स्टीफन चाकू उठाता है और उसे मारने लगता है लेकिन नाकाम रहता है। और फिर अगली सुबह जब हम देखते हैं कि मलेफिसेंट की आंख खुलती है तो उसके पर नहीं होते, वहाँ पर उसके जख्म हुए होते हैं जिसे देख के मलेफिसेंट को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता और वो चिल्लाने लगती है, रोने लगती है क्योंकि उसके खूबसूरत पर अब उसके साथ नहीं रहे थे, वो अब परों वाली परी नहीं रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टीफन मलेफिसेंट के पर लेके राजा के पास आता है और कहता है कि ये लें मैंने आपसे किया हुआ वादा पूरा कर दिया। राजा उससे बहुत खुश होता है और उसे पर लेके उसे इस किंगडम का राजा बना देता है। और यहाँ पे स्टीफन का भी ख्वाब पूरा हो चुका था, उस लालची इंसान का ख्वाब।
दूसरी तरफ जंगल में हमें मैलिफिशेंट दिखाई जाती है जो कि काफी उदास थी क्योंकि वो अब उड़ जो नहीं पाती थी। वो एक दिन जंगल में चलकर कहीं जा रही होती है कि देखती है कि एक शिकारी किसी कफे को मारने वाला है। उसे ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं होती थी तो वो फौरन से उस कफे को इंसान बना देती है और वो शिकारी बेचारा वहाँ से डर के भाग जाता है। वो कमा जो कि अब इंसान बन चुका था उसके पास आता है और कहता है कि थैंक यू, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? तो मैलिफिशेंट कहती है कि मैं नहीं बता सकती, बस मेरे दिल में रहम आ गया। तो वो कवा कहता है कि अब मैं आपकी सारी जिंदगी खिदमत करूंगा, आप जो मुझसे कहेंगे मैं आपकी हर बात मानूंगा। वो इंसान बनने पे काफी खुश होता है तो मैलिफिशेंट भी इस बात से एग्री हो जाती है और उसका नाम डीएवल रखती है। हम डीएवल उसे इन्फॉर्मेशन ला कर देता था। मैलिफिशेंट को पता चलता है कि स्टीफन ने सिर्फ और सिर्फ राजा बनने की लालच में उसके पर काटे तो उसे इंसानों से नफरत होने लगती है, उसका ट्रस्ट इंसानों पर से खत्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उस तरफ किंगडम में स्टीफन की राजा की बेटी के साथ शादी हो चुकी थी और अब उसकी एक बेटी भी पैदा होती है। वहाँ पे काफी ज्यादा सेलिब्रेशन हो रही होती है और किसी को कुछ पता नहीं होता कि वहाँ पे कौन कौन आ रहा था, कितनी कितनी दूर से आ रहा था। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए मैलिफिशेंट भी वहाँ पर जाती है और उसे विश करने लगती है। वो उस छोटी बेबी से कहने लगती है कि तुम बहुत प्यारी हो, लेकिन जैसे ही तुम 16 साल की होगी तुम्हारे हाथ में एक सुई चुभेगी जिसके बाद तुम्हारी डेथ हो जाएगी, तुम्हारी मौत हो जाएगी। तो स्टीफन उसके आगे किरकिराने लगता है और कहता है कि ऐसा नहीं करो, तुम मेरा बदला मेरी बेटी से क्यों ले रही हो? तो मैलिफिशेंट कहती है कि मैं भी एक लड़की थी और याद है तुमने मेरे साथ क्या किया था। मैलिफिशेंट के दिल में अभी भी कुछ रहम बाकी होता है तो वो स्टीफन से कहती है कि एक सोल्यूशन है, अगर तुम्हारी बेटी को उसके 16th बर्थडे पे उसका सच्चा प्यार मिल गया तो उसकी जान बच सकती है। स्टीफन इस बात से काफी परेशान हो जाता है और 3 छोटी छोटी परियों को बुलाता है और कहता है कि मेरी बेटी को यहाँ से दूर ले जाओ और जब तक ये 16 साल की नहीं हो जाती इसे यहाँ मत लेकर आना वरना इसका कर्ज सच्चा हो जाएगा। उसके बाद वो निकलता है जंगल पर अटैक करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि जंगल की बाउंड्रीज को मैलिफिशेंट ने कवर कर रखा था अपनी पावर से और अब कोई भी इंसान उस जंगल में नहीं आ सकता। फिर हम देखते हैं कि वो प्रिंसेस जो स्टीफन की बेटी होती है उसका नाम अरोरा होता है और वो 3 परियों से लेके काफी दूर चली गई होती है, लेकिन मैलिफिशेंट को अभी भी उसका मुकाम पता था कि वो किस जगह पर रह रही है। वो उसे डराने की कोशिश करती है लेकिन वो छोटी बच्ची यानी प्रिंसेस अरोरा हंसने लगती है और अब मैलिफिशेंट का दिल भी उसके लिए सॉफ्ट होने लगा था क्योंकि मैलिफिशेंट एक अच्छी परी थी, वो सालिम औरत नहीं थी। वो 3 परियां जो प्रिंसेस अरोरा की केयर करती थी काफी ज्यादा केयरलेस थी और अक्सर मैलिफिशेंट खुद प्रिंसेस अरोरा की जान बचाती थी, कभी पहाड़ से नीचे गिरने से, कभी दरख्त से गिरने से। वक्त के साथ साथ प्रिंसेस अरोरा बड़ी होने लगती है। अब प्रिंसेस अरोरा पूरे 15 साल की हो चुकी थी यानी उसका कर्ज पूरा होने में सिर्फ 1 साल बचा था। अब वो 3 परियों से जिस जगह पर लेकर आई थी वो एक बाउंड्री के अंदर थी और उसके आसपास काफी ऊंची ऊंची लकड़ियां थी। प्रिंसेस अरोरा ने भी इसके बाहर की दुनिया नहीं देखी थी जैसे मैलिफिशेंट ने नहीं देखी थी तो उसको सस्पेंस होता था कि आखिर इसके बाहर है क्या। तो एक दिन वो वहाँ पर जाती है और वहाँ पर देखने लगती है कि तभी उसे फील होता है कि जैसे यहाँ पर कोई है। वो आवाज देने लगती है, कोई है तो सामने आओ, मुझे बहुत से क्वेश्चन पूछने हैं। अब मैलिफिशेंट होती है वहाँ पर, उसे रहा नहीं जाता और वो प्रिंसेस अरोरा के सामने आ जाती है। प्रिंसेस अरोरा उसे देख के चिल्लाती है और कहती है आप तो वही है जो बचपन से मेरा ख्याल रखती है, लेकिन कभी मेरे सामने क्यों नहीं आई? आप तो मेरी गॉड मदर है, आपको पहचानती हूँ और जो आपके साथ कवा है ना मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है। मैलिफिशेंट को इस जवाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं होती तो वो भी अंदर अंदर से खुश हो जाती है क्योंकि मैंने आपको बताया ना वो बहुत अच्छी परी थी। वो अरोरा से प्यार करने लगती है और अब वो नहीं चाहती थी कि जो कर्ज मैंने इसे दिया वैसे कभी भी लगे। उन दोनों में काफी दोस्ती हो गई थी और बिल्कुल वो एक माँ बेटी की तरह एक साथ रहती थी, खेलती थी, बातें करती थी। एक दिन जब प्रिंसेस अरोरा सो रही होती है तब मैलिफिशेंट अपनी सारी पावर्स यूज करके वो कर्ज वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि इतने साल पहले दिया गया कर्ज अब वापस नहीं हो सकता, स्पेशली तब जब उसके कंप्लीट होने का टाइम बहुत करीब आ चुका हो। और इसी बात को तो लेके मैलिफिशेंट परेशान थी कि उसका 16वां बर्थडे आने ही वाला था तो वो ये दुआ करती है कि जल्दी इसे इसका सच्चा प्यार मिल जाए ताकि इसका ये कर्ज रिवर्स हो जाए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और जंगल में प्रिंसेस अरोरा और मैलिफिशेंट बातें कर रहे होते हैं। प्रिंसेस अरोरा मैलिफिशेंट से पूछती है कि आपके पर कहाँ गए, सारी परियों के पर होते हैं। तो मैलिफिशेंट कहती है कि मेरे भी पर हुआ करते थे लेकिन किसी इंसान ने उनको मुझसे छीन लिया। मैं उनके साथ बहुत खुश थी, मैं आसमान में बहुत ऊंचा उड़ा करती थी और मुझे वो काफी याद भी आते हैं। इसी के साथ मैलिफिशेंट रोने वाली हो जाती है तो प्रिंसेस अरोरा उसको चुप कराती है और कहती है कि आप परेशान ना हो, मेरा कल 16th बर्थडे है और देखिएगा मैं इजाजत लेके उन परियों से आपके पास रहने आ जाऊंगी, आप अकेली नहीं है, मैं आपके साथ हूंगी। लेकिन मैलिफिशेंट जानती थी कि ऐसा पॉसिबल नहीं होने वाला था जब तक उसे उसका सच्चा प्यार न मिल जाता और एक दिन में ऐसा तो हो नहीं सकता था। प्रिंसेस अरोरा वहां से
अपने घर जा रही होती है कि रास्ते में उसे एक लड़का दिखाई देता है जो कि काफी प्यारा था और उसी के जितना था। वो दोनों जैसे एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। खैर उसके बाद प्रिंसेस अरोरा वहाँ से अपने घर चली जाती है और तीनों परियों से कहती है कि मैं अब यहाँ से जाना चाहती हूँ। वो उनसे ये बात कर रही होती है कि मैं इस घर से दूर मेलिफिशेंट के पास जाना चाहती हूँ। तो परियों को लगता है कि शायद इसे उस बात का पता चल चुका है कि इसके पेरेंट्स अभी भी जिंदा है और ये किंगडम जाना चाहती है अपनी बर्थडे के बाद। वो तीनों परियां उसको सारा कुछ सच बता देती हैं कि क्या क्या हुआ। और एक इविल फेरी है जो कि तुम्हारी जान लेना चाहती है। वो उसे बताती है कि वो कोई और नहीं बल्कि मेलिफिशेंट है। और ये सुनकर प्रिंसेस अरोरा को अपने कानों पर यकीन नहीं आता। वो काफी उदास होकर मेलिफिशेंट के पास जाती है और उनसे पूछती है कि क्या जो मैंने सुना वो सारा कुछ सच है। तो मेलिफिशेंट उसे प्यार से कहती है कि हाँ ये सच है, मैंने तुम्हें कर्ज दिया था लेकिन अब मेरा दिल बदल चुका है। मैंने सिर्फ तुम्हारे फादर की वजह से ऐसा किया। मैं भी अब नहीं चाहती कि तुम मर जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन प्रिंसेस अरोरा काफी हर्ट होती है और वहाँ से चली जाती है। वो सीधा उस किंगडम की तरफ भागती है और जाके अपने फादर यानी स्टीफन राजा के गले लग जाती है और कहती है कि डैड मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया, मुझे लगता था कि शायद मैं अकेली हूँ। उसके डैड को बहुत गुस्सा आता है उन तीन परियों पर। वो कहते हैं कि जब मैंने कहा था कि अरोरा को उसकी 16th बर्थडे के बाद लेकर आना है तो तुम लोग सबको जानते हुए भी इसे एक दिन पहले क्यों ले आए जब कर्ज होने ही वाला है पूरा। वो अपने लोगों को ऑर्डर देते हैं कि इसे वापस छोड़ाओ या इसे एक कमरे में बंद कर दो जहाँ इसके आसपास कुछ भी ना पड़ा हो और ना कोई इस कमरे में जाए। लेकिन वो राजा कर्ज को रोक थोड़ी सकता था। तब जैसे ही प्रिंसेस अरोरा का 16th बर्थडे आता है तो कर्ज के असर में प्रिंसेस अरोरा खुद ब खुद उस जगह पर चली जाती है जहाँ पर स्पिनिंग व्हील्स पड़े होते हैं और उन पर सुइयां लगी होती हैं। वो कर्ज की वजह से उस सुई को अपने आप ही टच कर लेती है और फिर बेहोश हो जाती है, गहरी नींद में चली जाती है। राजा बहुत परेशान होता है क्योंकि अब उसकी बेटी गहरी नींद में जा चुकी थी और कभी भी उठने वाली नहीं थी। उधर मेलिफिशेंट को भी काफी दुख हो रहा होता है तो उस लड़के को बुलाती है जो कि प्रिंसेस अरोरा को उस दिन रास्ते में मिला। उसे लगता है कि लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हों और अगर ये प्रिंसेस अरोरा को मिल जाए तो प्रिंसेस अरोरा जाग जाए। तो मेलिफिशेंट उस लड़के को लेके वहाँ पर जाती है जहाँ पर प्रिंसेस अरोरा सो रही होती है। उसी दौरान वहाँ पर मौजूद जो परी होती है जो प्रिंसेस अरोरा का ख्याल रखा करती थी वो राजा से कहती है कि आप प्रिंसेस अरोरा के फादर हैं, आप उसके माथे पर चूमे, हो सकता है कि वो जाग जाए, हो सकता है आप ही उसका सच्चा प्यार हो। तो किंग स्टीफन कहता है कि नहीं, मैं कभी किसी का सच्चा प्यार नहीं हो सकता, मैंने मेलिफिशेंट को धोखा दिया और उसी लिए ये सब कुछ हो रहा है। जब मेलिफिशेंट उस लड़के को यहाँ पर आती है और वो प्रिंसेस अरोरा के पास जाता है तो प्रिंसेस अरोरा नहीं जागती। मेलिफिशेंट को पता चल जाता है कि ये इसका ट्रू लव नहीं है। मेलिफिशेंट ये देख के रोने लगती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी, मुझे तुम्हारी स्माइल याद आएगी, मैं तुम्हें कभी नहीं भुला पाऊंगी। और ये कह के मेलिफिशेंट रोते हुए उसके माथे पर किस करती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी उसे पीछे से आवाज आती है, रुकिए गॉड मदर, और ये आवाज प्रिंसेस अरोरा की होती है। जी हाँ, प्रिंसेस अरोरा का ट्रू लव, उसका सच्चा प्यार मेलिफिशेंट ही थी क्योंकि वो उसे दिल से प्यार करती थी। प्रिंसेस अरोरा मेलिफिशेंट से कहती है कि मैं आपके साथ जंगल में रहना चाहती हूँ। तो मेलिफिशेंट उसे अपने साथ लेके जाने लगती है लेकिन तभी पीछे से स्टीफन के लोग उन पर जाल डाल देते हैं। वो लोहे का जाल होता है जो कि परियों को चला सकता था। मेलिफिशेंट यहाँ पे बहुत बेबस हो जाती है और अपने कफे को ड्रैगन बना देती है। वो कवा यानी जो कि अब ड्रैगन था अपने मुंह से आग निकालने लगता है और वहाँ पर मौजूद सारे लोगों को जला देता है। मेलिफिशेंट अब आसाद भी हो जाती है लेकिन तभी यहाँ पर आता है किंग स्टीफन अपने कुछ लोगों के साथ और इसने लोहे की शील्ड पहनी होती है ताकि मेलिफिशेंट को हमेशा के लिए मार दे। दूसरी तरफ प्रिंसेस अरोरा को मेलिफिशेंट के वही पर नजर आ जाते हैं। वो पर मूव कर रहे होते हैं जिससे उन्हें भी पता चल गया हो कि उनकी मालिक यहाँ पर है। प्रिंसेस अरोरा उन परों को आजाद कर देती है और वह खुद ब खुद मेलिफिशेंट के साथ जाके लग जाते हैं। मेलिफिशेंट दोबारा से उड़ने लगती है और स्टीफन को अपने साथ उड़ा लेती है लेकिन उसे बिल्डिंग से नीचे नहीं गिराती। स्टीफन उस पर अटैक करने लगता है जिसकी वजह से वो दोनों ही बिल्डिंग से नीचे गिरने लगते हैं यानी कैसल से। स्टीफन ने मेलिफिशेंट के परों को पकड़ा होता है ताकि वो उड़ न सके लेकिन जैसे ही वो लोग जमीन पर गिरने वाले होते हैं मेलिफिशेंट अपने पर खोल लेती है और उड़ जाती है लेकिन इस वजह से स्टीफन जमीन पर गिरकर मर जाता है। यानी अब ये लालची आदमी इस दुनिया में नहीं रहा था, सब कुछ ठीक हो चुका था। अगली सुबह हम देखते हैं कि मेलिफिशेंट उन सब बाउंड्रीज को हटा देती है जो उसने जंगल के खेत बनाई हुई थी। वहाँ पर दोबारा से फूल खिलने लगते हैं, ग्रीनरी वापस आ जाती है। उसके बाद वो प्रिंसेस अरोरा से कहती है कि आज के बाद तुम इस जंगल की रानी हो और वहाँ का किंगडम और ये जंगल आपस में मिल जाते हैं और सब बहुत हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। यहाँ पर मेलिफिशेंट पार्ट 1 एंड हो जाता है और आपको एक्सप्लेन करूंगी मेलिफिशेंट पार्ट 2। मूवी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि कुछ
कुछ लोग उसी जादुई जंगल में जहाँ मेलिफिसेंट रहती थी वहाँ पर आकर कुछ जादुई क्रिएचर्स को चुरा रहे होते हैं और इसी दौरान मेलिफिसेंट भी आ जाती है। मेलिफिसेंट उन तीनों में से दो आदमियों को तो पकड़ लेती है लेकिन तीसरा वहाँ से वो क्रिएचर चुरा कर दूर जंगलों में भाग जाता है जहाँ पर ग्लोइंग फ्लावर्स निकले हुए थे। वो आदमी वहाँ से एक किंगडम की तरफ भाग जाता है। वो एक दरवाजा खोलता है तो उसमें से एक होल में से हमें किसी आदमी का हाथ दिखाई देता है। वो आदमी जिसने वो क्रिएचर चुराया उस आदमी को वो क्रिएचर दे देता है। उसके कपड़ों पर वही ग्लोइंग फ्लावर भी लगा होता है जिसे वो आदमी ले लेता है और इन दोनों चीजों के बदले में उसे पैसे देता है। फिर हमें ये भी दिखाया जाता है कि उस किंगडम के लोग अभी तक मेलिफिसेंट को दिल से अच्छा नहीं मानते थे। वो समझते थे कि इसने हमारी प्रिंसेस को चुराया और ये हमेशा से प्रिंसेस अरोरा को मारना चाहती थी। अब सीन चेंज होता है और हम प्रिंसेस अरोरा को जंगल में काफी खुश देखते हैं। वो वहाँ की रानी जो बन चुकी थी और डिफरेंट क्रिएचर्स के साथ डांस कर रही थी। सब लोग उसके पास अपने अपने मसले लेकर आते थे। उसे बताया जाता है कि यहाँ से एक क्रिएचर गायब हो गई है, वही क्रिएचर जो कि वो आदमी चुरा कर भागा था। तो ये सुन के प्रिंसेस अरोरा काफी परेशान हो जाती है। तो वहाँ पे वही छोटी हाइट वाली तीन परियां आती हैं और उसे खुश करने लगती हैं। उसका क्राउन लेके भागने लगती हैं ताकि वो भी उसके पीछे पीछे आए। और प्रिंसेस अरोरा जैसे ही नीचे जाती है तो उसे कौन दिखाई देता है भला? वही लड़का जो कि मूवी यानी मेलिफिसेंट पार्ट 1 के एंड पे उसके पास आया था लेकिन तब तक उसका ट्रू लव नहीं था। वो भी एक प्रिंस था और उसका नाम था प्रिंस फिलिप। वो काफी अरसे से प्रिंसेस अरोरा को पसंद करता था और यहाँ पर फाइनली वो उसे प्रपोज कर देता है जिसे सुनकर प्रिंसेस अरोरा भी काफी खुश होती है क्योंकि वो भी उसे कहीं ना कहीं पसंद करती थी। ये सब कुछ मेलिफिसेंट का कौवा यानी डिविल भी देख रहा होता है। वो जाके सब कुछ मेलिफिसेंट को बताता है तो मेलिफिसेंट वहाँ से उड़कर प्रिंसेस अरोरा से बात करने आती है और दूसरी तरफ वो प्रिंस फिलिप भी अपने पेरेंट्स को बताने के लिए जाता है कि मुझे एक लड़की पसंद आ चुकी है। फिर हम देखते हैं कि प्रिंस फिलिप अपने किंगडम पहुंच चुका है और वहां पर जाकर वो अपने फादर यानी किंग को, क्वीन को और बाकी लोगों को बताता है कि मैं उस लड़की को प्रपोज कर आया हूं और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया है, जिसको सुनकर उसके फादर यानी किंग काफी खुश होते हैं। लेकिन क्वीन वो तो सैड हो जाती है लेकिन वो ये चीज अपने बेटी को शो नहीं करवाती। उसका दिल तो नहीं था लेकिन फिर भी वो कहती है कि चलो ठीक है, प्रिंसेस अरोरा और उसकी गॉड मदर यानी मेलिफिसेंट को हम डिनर पे बुला लेते हैं। दूसरी तरफ हम मेलिफिसेंट को प्रिंसेस अरोरा से बातें करता हुआ देख रहे होते हैं। वो कहती है कि तुम्हें मुझसे एक बार पूछ लेना चाहिए था प्रिंस से मंगनी करने से पहले। मेलिफिसेंट कहती है कि सच्चे प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती, लड़के हमेशा धोखा देते हैं, तभी तो तुम्हारा ट्रू लव मैं बनी। मैं तुमसे दिल से प्यार करती हूँ इसलिए तुम्हारा भला कह रही हूँ। तो प्रिंसेस अरोरा कहती है कि प्लीज आप ऐसा ना सोचें, अगर किसी ने आपको धोखा दिया तो हो सकता है कि बाकी दुनिया के लोग वैसे ना हो। तो मेलिफिसेंट कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए तुम्हारी बात मान रही हूँ। अब हम देखते हैं कि वो दिन आ चुका है जब इन दोनों फैमिलीज में एक साथ डिनर है। तो क्वीन जो कि प्रिंस फिलिप की मदर थी वो अपनी एक सीक्रेट क्लोजेट में जाती है। वो जब वहाँ पर जा रही होती है तो हमें ये दिखाया जाता है कि वो एक आयरन फैक्ट्री है। वो क्वीन जब वहाँ से गुजर रही होती है तो हमें ये भी दिखाया जाता है कि वहाँ पर वही ग्लोइंग फ्लावर होता है और उसी के साथ वो क्रिएचर भी होती है जो कि एक आदमी ने चुराया था। और वो क्वीन जाके उस आदमी से कहती है कि जल्दी अपना काम पूरा करो, वक्त बहुत कम है। और तभी वहाँ पर हम स्पिनिंग व्हील को भी देखते हैं जिस पर सेम सुई लगी होती है। ये सीन था ना काफी मिस्टीरियस कि हमें क्वीन के प्लान्स के बारे में कुछ नहीं पता चल पाता और फिर यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। अब दूसरी तरफ जंगल में मेलिफिसेंट उसका कौवा जो कि इंसान की शक्ल में ही था और प्रिंसेस अरोरा डिनर पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। काफी प्यारी लग रही होती है प्रिंसेस अरोरा। मेलिफिसेंट जैसे ही उस किंगडम में पांव रखती है तो सारे लोग उसे डर के छुपने लगते हैं और कुछ लोग तो अपने वेपन्स भी निकाल लाते हैं। उनको ये लग रहा होता है कि मेलिफिसेंट एक बुरी चुड़ैल है लेकिन मेलिफिसेंट इन सबको एंजॉय कर रही होती है और उन्हें कुछ भी नहीं कहती, बस मुस्कुराती रहती है। अब हम देखते हैं कि वो तीनों अंदर पहुंच चुके होते हैं यानी महल के अंदर किंग और क्वीन के पास और अब डिनर होता है स्टार्ट। क्वीन मुसलसल मेलिफिसेंट को खुश करने की बजाय या उसे अच्छी बातें करने की बजाय उसका पुराना वक्त उसे याद दिलाती है कि तुम ही थी ना जिसने इस बेचारी प्रिंसेस को कर्ज दिया था। उसकी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती और वो मेलिफिसेंट को ये भी कहती है कि तुमने तो इंसानों को भी मारा था, याद है? तो मेलिफिसेंट क्वीन से कहती है कि आपके किंगडम के भी कुछ लोग मेरे जंगल में आए थे और मेरी क्रिएचर चुरा कर भाग गए और मेरी लड़ाई बढ़ने लगती है। तो क्वीन अपनी बीवी यानी क्वीन से कहता है कि खामोश हो जाओ, कैसी बातें कर रही हो। और दूसरी तरफ प्रिंसेस अरोरा मेलिफिसेंट से कहती है कि प्लीज आप इजी रहें, लेकिन क्वीन फिर भी पास नहीं आती और अजीब अजीब बातें करने लगती है। वो कहती है कि अगर मेरे बेटे की और प्रिंसेस अरोरा की शादी हो गई तो इसकी असली मदर कौन होगी। ये सुनकर मेलिफिसेंट को काफी दुख होता है क्योंकि वो खुद को ही प्रिंसेस अरोरा की असल मदर मानने लगी थी। वो अपने पर फैलाती है और एक ग्रीन एनर्जी बाहर निकालती है जिससे सब दूर जाकर गिरते हैं।
क्वीन भी पीला बचा कर डर जाती है और किंग के पीछे जाके छुप जाती है, जिससे किंग बेचारे नीचे गिर जाते हैं। क्वीन ऊंची ऊंची बोलने लगती है कि मेलिफिशेंट ने किंग पर कर्ज कर दिया है, और अरोरा उनकी बात पर यकीन कर लेती है और मेलिफिशेंट से कहती है कि प्लीज आप अपना कर्ज खत्म करते हैं, बार बार किंग सब पे कर्ज करती है। तो मेलिफिशेंट कहती है, प्रिंसेस अरोरा तुम भी ये कह रही हो, मैंने कोई कर्ज नहीं किया। लेकिन प्रिंसेस अरोरा मेलिफिशेंट की बात पर यकीन ही नहीं करती, क्योंकि क्वीन ने काफी अच्छे तरीके से उसको टैकल कर लिया होता है। तभी वहाँ पर सोल्जर्स आने लगते हैं जो कि मेलिफिशेंट पर अटैक करने वाले होते हैं। आखिरी बार प्रिंसेस अरोरा से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ नहीं आओगी, तो प्रिंसेस अरोरा कोई जवाब नहीं देती और क्वीन और किंग के पास बैठी रहती है। तो मेलिफिशेंट दुखी होकर वहाँ से उड़कर चली जाती है, उसके साथ उसका कफा भी खिड़की तोड़ के बाहर चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पे एक और लड़की होती है जो क्वीन और किंग के साथ ही होती है, वो आयरन बुलेट से मेलिफिशेंट पर अटैक कर देती है, जिससे वो बेचारी ओशन में गिर जाती है। अब हम देखते हैं कि कैसल में किंग बेचारे बेहोश पड़े होते हैं, तो उनको उनके बेडरूम में ले जाया जाता है। सब काफी परेशान होते हैं और उनका बेटा यानी प्रिंस फिलिप अपनी मदर क्वीन से कहता है कि आप डैड के माथे पर चूमे, आप उनसे सच्चा प्यार करती हैं ना, आप उनकी वाइफ हैं, हो सकता है कि वो दोबारा से ठीक हो जाएं। लेकिन क्वीन अंदर ही अंदर अजीब मुंह बनाती है, क्योंकि ना तो वो किंग से सच्चा प्यार करती थी और ना ही वैसी स्टोरीज पर बिलीव करती थी, वो एक लालची औरत थी। वो फिर भी अपने बेटे के कहने पर ऐसा करती है, लेकिन किंग की आंख नहीं खुलती। जब अरोरा ये देखती है तो कहती है कि मैं जाके मेलिफिशेंट से बात करूंगी कि वो अपना कर्ज खत्म कर दे। जैसे ही वो जंगल पहुंचती है तो सारे लोग कहने लगते हैं कि हमने अभी तक मेलिफिशेंट को नहीं देखा, वो यहाँ आई ही नहीं। दूसरी तरफ किंग और क्वीन की वही साथी ओशन पर नजर रखे होती है कि मेलिफिशेंट कब यहाँ से निकलती है, लेकिन वो देखती है कि कोई क्रिएचर आकर मेलिफिशेंट को अपने साथ ले गया है। वो फौरन से सबको जाकर क्वीन को बताती है, तो क्वीन कहती है कि फौरन से उसे रोको। और दूसरी तरफ जंगल से अरोरा वापस उसी किंगडम में आ जाती है, लेकिन उस जंगल का एक मैजिकल क्रिएचर भी उसके होर्स में छुप कर उसे किंगडम आ गया था। वो क्रिएचर वहीं पर पहुंच जाती है जहाँ पर पहले क्रिएचर भी कैद थी, और उसे भी वो आदमी कैद कर लेता है। प्रिंसेस अरोरा क्वीन से कहती है कि मुझे मेलिफिशेंट कहीं भी नहीं दिखी, क्या उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। तो क्वीन कहती है कि परेशान नहीं हो, वो काफी स्ट्रांग है, वो वैसे ही कहीं पर होगी, और उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ क्वीन की वही साथी ओशन पर अभी भी नजर रखे होती है कि जैसे ही उसे मेलिफिशेंट नजर आए वो उसको मरवा दे। और फिर उसके बाद ऐलान किया जाता है कि अगले 3 दिन के अंदर अंदर प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस अरोरा की शादी है, और हम चाहते हैं कि हम सब लड़ाइयां छोड़ दें, हम सुलह करना चाहते हैं, और जंगल में जितने भी क्रिएचर्स हैं वो सब के सब इस शादी में इनवाइटेड हैं। दरअसल ये उनका प्लान था, क्योंकि वो ये चाहते थे कि मेलिफिशेंट को मार के जंगल के सब क्रिएचर्स को कैद कर लिया जाए, ताकि वहाँ को सिक्योर करने के लिए कोई भी न हो, और फिर उस जंगल पर कब्जा कर लिया जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेलिफिशेंट की आंख खुल जाती है, वो काफी जख्मी होती है, और उसे कुछ क्रिएचर्स की आवाज आ रही होती है जो कि कह रहे होते हैं कि हम इंसानों पर अटैक करेंगे। उनके भी बड़े बड़े पर होते हैं और सर पर सींग होते हैं। वो जंगल में अपनी पनाह लेने आए थे, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि जंगल उनके लिए सेफ पॉइंट हो सकता है इंसानों पर अटैक करने से पहले। मेलिफिशेंट भी वहाँ पर पहुँच चुकी होती है, और उनमें से एक क्रिएचर मेलिफिशेंट की तरफ आता है और उससे कहता है कि हम में भी अपनी पावर ट्रांसफर करो, इंसानों को कैसे हराया जा सकता है हमें भी बताओ। लेकिन मेलिफिशेंट उसे दूर फेंकती है। उन क्रिएचर्स के हेड का नाम बोरा होता है। वो जब देखता है कि मेलिफिशेंट में इतनी पावर है कि किसी को भी इतनी दूर उड़ा के फेंक सकती है, तो वो काफी खुश होता है कि अब हमें इसको टैकल करने में काफी आसानी होगी। अब बोरा का साथी मेलिफिशेंट को अपने साथ लेके केव में आ जाता है और उसे बताता है कि यहाँ पे बुरी और अच्छी फेरीज एक साथ रहा करती थी, क्योंकि इंसानों ने हंट करने लगे थे इस वजह से उन्हें एक साथ रहना पड़ा। फिर वो एक स्ट्रक्चर के पास आता है जो कि वहाँ पे स्टिल था, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था। तो बोरा का साथी उसे बताता है कि मेलिफिशेंट तुम इन्हीं की औलाद में से हो, तुम आखिरी पावरफुल और अच्छी परी बची हो। वो आदमी मेलिफिशेंट को बताता है कि तुम बहुत पावरफुल हो और जल्द ही तुम एक ऐसी स्टेज पे पहुंचोगी जिससे तुम दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर परी बन जाओगी। लेकिन वो आखिरी स्टेज तुम अभी पार नहीं कर पाई, और वो है प्रिंसेस अरोरा को माफ करना, क्योंकि सारी जिंदगी तुमने उससे मोहब्बत की है, उसे प्यार किया है, और इसके लिए बहुत करेज चाहिए कि आप किसी को दिल से माफ कर दें, और जो किसी को दिल से माफ कर देता है वही इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होता है। तो मेलिफिशेंट कहती है कि नहीं, मैं उसे माफ नहीं कर सकती, मैंने उसे हमेशा प्यार किया लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। तभी वहाँ पर बोरा भी आ जाता है और बताता है कि प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस अरोरा की शादी हो रही है और ये हमारे पास अच्छा मौका है अंदर अटैक करने के लिए, लेकिन मेलिफिशेंट यहाँ चुप रहती है। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि प्रिंसेस अरोरा को क्वीन अपनी ढकी छुपी बातों से काफी टॉर्चर करने लगती है, और प्रिंसेस अरोरा को ये फील भी होने लगता है। तो वो प्रिंस फिलिप के पास जाती है और उसे कहती है कि मैं सिर्फ आपके लिए बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना मुझे क्वीन अच्छी नहीं लगने लगी। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि क्वीन का वही आदमी जो कि उस फैक्ट्री में काम कर रहा होता है उस ग्लोइंग फ्लावर के ऊपर, वो उससे कुछ ड्रेस तैयार कर लेता है
अच्छी से बताता है कि इससे परियां मर सकती हैं और ये मैंने मैलेफिसेंट को मारने के लिए तैयार किया है। उसे देख के क्वीन काफी खुश होती है। उसके पास एक छोटी सी फेरी भी होती है और जैसे ही वो पाउडर उस पर डालता है तो वो फेरी मर जाती है। क्वीन बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वो आदमी से कहता है कि ये पाउडर तभी और ज्यादा बन सकता है जब आप मुझे वो ग्लोइंग फ्लावर्स और ज्यादा ला के दें। तो क्वीन अपने लोगों को ऑर्डर्स देती है कि जल्दी जाओ वो फ्लावर्स फौरन से इकट्ठे करके लाओ। और जैसे ही उसके आदमी उधर पहुंचते हैं वो फ्लावर्स लेने के लिए, तो मैलेफिसेंट को खबर हो जाती है और वो भी वहां पे पहुंच जाती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, उसके सोल्जर सारे फ्लावर्स उतार चुके थे और मैलेफिसेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाती। बस वो बहुत उदास थी क्योंकि उसके साथ हमेशा बुरा ही हुआ था। वो सोल्जर्स मैलेफिसेंट पर आयरन बुलेट से अटैक करने लगते हैं, लेकिन तभी उसके सामने बुरा का साथी आकर उसे बचा लेता है। मैलेफिसेंट भी एक शील्ड बना लेती है जिससे वो लोग प्रोटेक्टेड हो जाते हैं और बुरा बाकी सोल्जर्स पर अटैक करने लगता है। लेकिन जैसे ही मैलेफिसेंट बुरा के साथी को केव तक लाती है तो तब तक वो बेचारा मर चुका होता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस अरोरा की शादी के इवेंट शुरू हो चुके होते हैं और जंगल की सारी क्रिएचर्स उस किंगडम की तरफ जा रही होती हैं। लेकिन जैसे ही मैलेफिसेंट का कौवा, जो कि इंसानी शक्ल में ही होता है, वो अंदर जाने लगता है तो उसे रोक लिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि प्रिंसेस अरोरा काफी प्यारी लग रही होती है और प्रिंस फिलिप उसे एक फ्लावर देता है जो कि कोई और फ्लावर नहीं, उसी के जंगल का ग्लोइंग फ्लावर था। उसे देख के काफी हैरानी होती है कि क्वीन ने क्यों भिजवाया है मेरे लिए। वो क्वीन को ढूंढने के लिए जाती है और तभी उसे वो सीक्रेट डोर भी मिल जाता है। उसके हाथ में अभी भी वो फ्लावर था और वो जाते जाते उसे स्पिनिंग व्हील के पास पहुंच जाती है। उसे वो सारे विजन आने लगते हैं कि कर्स क्या था और मुझे यहाँ पर कैसे ले जाया जा रहा है। वो वहाँ पर देखती है कि दो फेरीज भी कैद हैं, वही क्रिएचर जिसे 7 महीने कैद किया था। उनको छुड़ाने ही लगती है लेकिन वो आदमी उसे रोक लेता है। तभी वहाँ पर क्वीन आ जाती है और वो प्रिंसेस अरोरा से कहती है कि मेरा किंगडम पहले उस जंगल के करीब हुआ करता था, लेकिन इन सब क्रिएचर्स और मैलेफिसेंट के एंसेस्टर्स ने, यानी उसके बड़ों ने मिलकर मेरे किंगडम का नुकसान पहुंचा दिया और मेरे फादर मारे गए। लेकिन जब मेरा भाई भी वहाँ सुलह करने के लिए गया तो उस जंगल के क्रिएचर्स ने मेरे भाई को भी मार दिया, और जब मैं अकेली बच गई तो मुझे किंग से शादी करना पड़ी जो कि अब मेरा हस्बैंड है, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करती। तो क्वीन कहती है कि मैं तुम सबसे बदला लेकर रहूंगी। क्वीन सोल्जर्स को ऑर्डर देती है कि प्रिंसेस अरोरा को एक रूम में कैद कर दिया जाए, और ऐसा ही होता है। और फिर उन क्रिएचर्स को भी एक रूम में बंद कर दिया जाता है और फिर उन पर वही पाउडर छिड़का जाता है जो कि 7 महीने तैयार किया था, जिसकी वजह से सारे क्रिएचर्स बेचारे वीक होने लगते हैं। जिस रूम में अरोरा होती है वहाँ पर उसका वेडिंग ड्रेस होता है और वो उसे फाड़ कर काफी लंबी सी रस्सी में बदल देती है और कैसल से नीचे जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर सोल्जर्स आते हैं और प्रिंसेस अरोरा खुद का रूम में ही बंद कर लेती है। मैलेफिसेंट का कौवा भी, जो कि इंसानी रूप में ही होता है, कैसल के अंदर आ जाता है। और दूसरी तरफ प्रिंस फिलिप अपने बीमार फादर के पास बैठा होता है और उसे ये सब कुछ नहीं पता होता। अब क्वीन अपने कैसल की छत पर होती है और उस जंगल की तरफ काफी बॉम्ब्स फेंक रही होती है। दूसरी तरफ बोरा भी अपने लोगों के साथ इस किंगडम पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। दूसरी तरफ अरोरा मौका पाके उसी ड्रेस से लटकते हुए नीचे आ जाती है किंग के रूम में, जहाँ पे प्रिंस फिलिप भी होता है। वो उसे सब कुछ बताती है कि क्वीन ने मेरे साथ क्या किया और मैलेफिसेंट ने आपके फादर को कर्स नहीं दिया बल्कि आपकी मदर ने ही दिया है, जिसे सुनकर प्रिंस फिलिप काफी हैरान होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बोरा और उसके साथी किंगडम पर अटैक करने आ रहे होते हैं, लेकिन उन पर मुसलसल आगे से अटैक कर रहे होते हैं किंगडम वाले और उनमें से कुछ लोगों को पकड़ भी लेते हैं। प्रिंसेस अरोरा को मैलेफिसेंट का वही कौवा दिखाई देता है जो कि इंसान ही बना हुआ था। वो उससे कहती है कि हमें लोगों की जान बचाने के लिए यहाँ के चर्च का दरवाजा खोलना होगा, और वो दोनों मिलकर दरवाजा खोलने लगते हैं। वहाँ पर जाकर वो सारे क्रिएचर्स को बचा लेते हैं और वहाँ पर मौजूद छोटी छोटी फेरीज उन सुराखों में फूल भर लेती हैं जहाँ से पाउडर निकल रहा था, पर अब वो डस्ट पाउडर वहाँ से बाहर नहीं निकलता और न ही किसी क्रिएचर को नुकसान पहुँचाता है। और जब क्वीन की वो साथी लड़की जो कि पाउडर गिरा रही होती है उनको ठीक करने जाती है तो वहीं से खुद ही नीचे गिर जाती है। प्रिंस फिलिप अपनी मदर यानी क्वीन को समझाने जाता है, लेकिन क्वीन सोल्जर से कहती है कि इसको पकड़ लो, लेकिन प्रिंस फिलिप उसी से पहले कैसल से नीचे जंप लगा देता है। वहाँ पर प्रिंसेस अरोरा और मैलेफिसेंट के कफे को भी पकड़ लिया जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर आती है मैलेफिसेंट और अपने कफे को एक बड़े से बियर में तब्दील कर देती है और वो बियर चर्च का दरवाजा खोल के सब क्रिएचर्स को आजाद कर देता है। मैलेफिसेंट बाकी लोगों पर अटैक करने लगती है और अपने लोगों को बचाने लगती है। तभी वहाँ पर बोरा भी आ जाता है और क्वीन के सोल्जर से लड़ने लगता है, लेकिन फिलिप उसे आके रोकता है और कहता है कि ये हमारे जनरल है, इसे कुछ मत कहना। तो बोरा वहाँ से चला जाता है। जब जनरल ये देखता है कि इसने मुझे नहीं मारा तो उसे पता चल जाता है कि असली जालिम कौन है, यानी क्वीन असली जालिम है। दूसरी तरफ मैलेफिसेंट रूफटॉप पर आती है उसी क्वीन के पास, लेकिन प्रिंसेस अरोरा भी पास आती है मैलेफिसेंट के और उससे कहती है कि प्लीज क्वीन को मत मारें वरना सब लोग वाकई समझेंगे कि आप जालिम थी। लेकिन मैलेफिसेंट कहती है कि नहीं अरोरा, पीछे हट जाओ, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तो अरोरा रोते हुए कहती है कि मदर
सर ऐसा ना करें। और जब मेलिफिशेंट उसके मुंह से मदर लव सुनती है तो उसका दिल काफी सॉफ्ट हो जाता है और उसके दिल में इमोशंस आने लगते हैं। और जब वो दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे होते हैं तो जाहिर है क्वीन को मौका मिल जाता है उन पर अटैक करने के लिए, तो वो वही डस्ट पाउडर प्रिंसेस अरोरा की तरफ फेंकती है। लेकिन मेलिफिशेंट उसके सामने आकर प्रिंसेस अरोरा की जान बचा लेती है और जैसे ही मेलिफिशेंट को एरो लगता है वो एशेस में बदलने लगती है और प्रिंसेस अरोरा बहुत ज्यादा रोने लगती है। क्वीन ये देख के काफी खुश हो जाती है और ऐलान करती है कि अब तुम लोगों की मेलिफिशेंट नहीं रही और अब मैं पूरी जगह पर कब्जा करने वाली हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि प्रिंसेस अरोरा के आंसू मेलिफिशेंट के एशेस पर गिरते हैं और मेलिफिशेंट फिर से जिंदा हो जाती है, उसके बड़े बड़े पर आ जाते हैं। क्वीन को बहुत गुस्सा आता है और वो प्रिंसेस अरोरा को कैसल से नीचे धक्का दे देती है और मेलिफिशेंट उसे बचा लेती है। प्रिंस फिलिप को भी अपनी मदर के बारे में सब कुछ पता चल चुका था, इसलिए वो भी मेलिफिशेंट के पास आ जाता है और मेलिफिशेंट मान जाती है प्रिंसेस अरोरा और प्रिंस फिलिप की शादी के लिए। तभी मेलिफिशेंट के पास वो छोटा आदमी भी आता है जिसने उसके क्रिएचर्स को कैद किया हुआ था। वो उसके क्रिएचर्स छोड़ देता है और उसे वही सुई देता है जिसकी वजह से वो कर्स फैला। अब सबको पता चल जाता है कि कर्स फैलाने वाली असली क्वीन ही थी। अब किंग भी जाग चुका था और क्वीन को पूरा के लोग पकड़ लेते हैं और उसे फेंकते हैं। मेलिफिशेंट उसे कोर्ट में बदल देती है और वहाँ की सारी जगह को फूलों से सजा देती है और फिर वो बोरा से कहती है कि तुम लोग अच्छे क्रिएचर्स हो, तुम हमारे साथ रह सकते हो। और फिर उसके बाद वो अरोरा को वेडिंग ड्रेस पहनाती है और वो ऐलान करती है कि हम सारे मिलकर रहेंगे एक यूनियन में। और उसके बाद प्रिंस फिलिप की और प्रिंसेस अरोरा की शादी हो जाती है। किंग भी काफी खुश होता है और सारे क्रिएचर्स सारे लोग उनके लिए क्लैपिंग कर रहे होते हैं और यहाँ पर दोनों किंगडम्स मिल जाते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। और फिर मेलिफिशेंट प्रिंसेस और प्रिंस फिलिप से कहती है कि अब मैं तब दोबारा यहाँ पर आऊंगी जब तुम लोगों का क्यूट सा बेबी होगा। और फिर मेलिफिशेंट यहाँ से चली जाती है और सब कुछ पीसफुल हो जाता है। यहीं पर ये